हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ए वर्टिकल पोल फिक्स टू द दॉरिजेंटल ग्राउंड इट डिवाइडेड इन द रेशियो थ्री टू सेवन बाई ए मार्क ऑन इट विद द लोअर पार्ट आउटर दैन द अपर पार्ट इफ द टू पार्ट ऑफेंड इक्वल एंगल्स एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एटीन मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल देन द हाइट ऑफ द पोल इन मीटर्स तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के डायग्राम पहले देखना है कि कैसे बनाएंगे आपको कह रहा है कि टू पॉइंट ये बेस से 18 मीटर अवे पे सेम एंगल बनाता है जो पोल का लेंथ है आपका ये pole है, एक ऐसे लिए हैं और एक ये लिए हैं, ये थ्री टू सेवन में आपको डिवाइड कर रहा है तो सपोज करिए कि पोल का लेंथ एच है तो ये सेवन एच और थ्री एच और ये सेवन एच है ठीक है ये आपका ओपी जो है पोल है जिसमें एक पॉइंट जो है ऐसा है कि बेस कितना थ्री सेवन में ये पोल को डिवाइड कर रहा है एक तरफ थ्री एच और दूसरे तरफ सेवन एच में डिवाइड कर रहा है ये रेशियो है आपको और मार्क ऑन विथ लोअर पार्ट शॉर्टर देन द अपर पार्ट तो ये थ्री एच और ये सेवन एच हो गया इफ द टू पार्ट सस्टेंड इक्वल एंगल्स दोनों पार्ट क्या कर रहा है इक्वल एंगल्स ये बना रहा है ये भी अल्फा है और ये भी आपका अल्फा है ऑन द ग्राउंड 18 मीटर ये 18 मीटर दे रखा है फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल देन द हाइट ऑफ द पोल ये आपको हाइट फाइंड करना है तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया टेन एच हो गया टेन एच का वैल्यू आपको फाइंड करना है इस, इसका मीनिंग क्या है कि फाइंड करना है सबसे पहले तो यहां हम इन एंगल ओ पी ये आर कर देते हैं ओ आर क्यू में टेन अल्फा लेते हैं इन एंगल ओ आर क्यू टेन अल्फा टेन अल्फा क्या हो जाएगा थ्री एच अपॉन एटीन थ्री एच अपॉन एटीन दैट मीन्स एच बाई सिक्स ये टेन अल्फा हो गया अब बड़े वाले बिगड़ सर्कल ये ट्रेंगल जो है इन ट्रैंगल ओ पी क्यू इसमें अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन टू अल्फ़ा ये टोटल एंगल हो गया टू अल्फा ये टोटल एंगल का हो गया कितना टू अल्फा तो टेन टू अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी टेन एच अपॉन एटीन तो ये हो गया कितना फाइव एच अपॉन नाइन अब यहां से देखिए टेन टू अल्फा को इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा लिख लेते हैं क्योंकि यहां टेन अल्फा का वैल्यू हमको दिया है तो टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू फाइव एच अपॉन नाइन अब फ्रॉम फर्स्ट से इसका वैल्यू पुट कर देते हैं टेन अल्फा का तो टू इंटू एच अपॉन सिक्स अपॉन वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स इक्वल टू फाइव एच अपॉन नाइन अब इसको सॉल्व करेंगे एच आ जाएगा टू इंटू एच बाई सिक्स इंटू नाइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं फाइव एच वन माइनस एच स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स इसको कैंसिल कर दीजिए टू से थ्री और ये थ्री आ गया और एच से एच कैंसिल हो गया सो थ्री बाई फाइव इक्वल टू वन माइनस एच स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स सो एच स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फाइव वन माइनस थ्री बाई फाइव दैट मीन्स टू बाई फाइव सो एच स्क्वायर इक्वल टू सेवेंटी टू बाई फाइव सो एच इक्वल टू रूट ऑवर सेवेंटी टू बाई फाइव यानी सेवेंटी सेवेंटी टू अपॉन फाइव का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ सेवेंटी टू बाई फाइव ये एच का वैल्यू आ गया अब हमको क्या चाहिए हाइट ऑफ द पोल तो टोटल पोल का हाइट कितना है टेन एच और आप जान रहे हैं आप जान रहे हैं कि आपको एच का वैल्यू मिल गया है रूट ऑवर सेवेंटी टू बाय फाइव का स्क्वायर रूट पोल का लेंथ पोल हाइट इक्वल टू तो टेन एच कितना हो गया टेन एच तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन इंटू एच का वैल्यू क्या है रूट ऑवर सेवेंटी टू बाय फाइव ये आपका आंसर आएगा लेकिन अब ये इस फॉर्मेट में नहीं दे रहेगा खाया तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है तो सेवेंटी टू इंटू टेन इंटू टेन तो ये स्क्वायर रूट कर दीजिए अपॉन फाइव फाइव टू जीरो टेन कैंसिल हो गया सेवेंटी टू इंटू टू वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर का स्क्वायर रूट कितना टूवेल्व तो ये कितना हो गया ट्वेल्व रूट टेन सो हाइट इक्वल टू टूवेल्व रूट टेन ओके थैंक यू